इंग्लिश ठुमके रे। जय भीम जय भारत। जय भीम जय भारत। क्या हाल चाल? क्या हाल चाल? स्वागत करते हैं मेरे एक और नए फैमिली ब्लॉग में। वेलकम टू माय फैमिली ब्लॉग। देखा मैं हिंदी में बोल रहा, मेरी बीवी अंग्रेजी में बोल रही है। बीवी ज्यादा अंग्रेजी पढ़ी लिखी। क्यों भाई, तुम कितने पढ़े लिखे हो भाई? बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं। ये इतने पढ़े लिखे है कि यही पढ़े रहते हैं, हम लोग घूमते रहते हैं। देखा इसकी शक्ल दिखाई, जल्दी दिखा। तो दोस्तों अभी क्या करते हैं, अभी चाय पी के रेडी होते हैं और फिर आज मेरे को दो तीन जगह जाना, बैंक भी जाना है मुझे। बैंक में मेरा कार्ड एक्सपायर हो गया तो कार्ड लेके आना है। बाद में आज इन लोगों को इनके माइके इसके माइके छोड़ के आना है। इसका माइक का यहाँ से दूर है। चाय पी लेते हैं यार, चाय नहाने से पहले चाय तो पी लेते ना। सुबह सुबह मेरे को लगा चाय पी ली, इसलिए बोल रहा था चाय तो पी नहीं। चलो भाई चलो जल्दी चलो, क्रूज कर लेते हैं सारे मिलके और फिर बाद में तुरंत। अभी चाय बन रही है तो चाय पियेंगे फिर आराम से। और फिर और दोस्तों हमारे यहाँ ना मौसम तीन दिन से बड़ा बेकार हुआ पड़ा है, एकदम से बारिश आ रही है। शाम शाम को बारिश आ जा रही है। अभी भी देखो फुल मौसम बारिश वाला हो रहा है, धूप नहीं निकली इधर। क्या पकड़ ला और तीनों मुझे क्यों दे दिए, तू नहीं करेगा? भाई लोग ऐसा होता है कभी कभी घर के सामने आए और देखो इन्हें दूध दूध चाय बनाई, दूध फाड़ दिया। चुप कर बे कुत्ते, कहाँ है दूध, फेंक दिया। अब मेरे को जाना पड़ेगा दूध लाने के लिए वहाँ पे। इनका दूध दूध वाला आया था, दूध दूध भी नहीं लिया जिनने, अपने घर जाने के चक्कर में दूध नहीं लिया। बोले नहीं दूध नहीं, रात का कल का दूध रखा हुआ था उसी में चाय बनाई, दूध फट गया। दूध वाला चलोगा नहीं जाने तो? हाँ कितने आने वाला है, कब आया है? वाह यार बताओ, अब मुझे बाहर बैठना पड़ेगा। चलो बाहर बैठ के इंतजार करते हैं दूध वाले का। और बोलो, वहाँ बाहर बैठा के रखा था, देख लो अभी तक हमें दूध नहीं मिला। दोस्तों मैंने अभी क्या किया है, मैं यही बैठा हूँ। मैंने अपने जो मेरा जो बेटा है उसको मैंने भेजा है दुकान पे, जो सामने दुकान है यहाँ से तकरीबन 200-250 मीटर की दूरी पे, नहीं आधा किलोमीटर होगा है ना, आधा किलो 500 मीटर पे होगा। तो उसको हम चेक करेंगे कि वो सीधा जाता नहीं सीधा। 10 रुपये हमने दिए चाय दूध के लिए, यहाँ 250 ग्राम दूध आता है और हमें चाय के लिए चाहिए। तो हम जा रहे हैं आज उसको चेक करने कि वो सीधा जाता है कि नहीं जाता, इधर उधर घूमता हुआ जाता है। चलो मैं और मेरी बेटी जा रहे हैं उसको देखने के। चलो देखो तुम्हारा भैया कैसे सीधा जा रहा है, नहीं जा रहा, देखो जल्दी चलो आगे। पैसे नहीं दे उसे, को पैसे नहीं दिया करें। क्यों ले। क्या लेता है फिर? टोफी ले। अच्छा टोफी लेता है। अरे वाह, मेरी बेटी बोल रही है भैया को पैसे मत दिया करो क्योंकि भैया अच्छी चीज़ नहीं लेते, वो पता है टॉफी लेते हैं और वो खाने की चीज़ अच्छी नहीं लेता कह रहा है। अबे वो तो बहुत तेज भग रहा है यार, देखना पियू कहाँ पहुँच गया वो। क्या भैया तो नहीं थका? देख तो भैया चला, बताइए कहाँ चला गया। वो आ गया दूध लेके, आजा 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 आ गया, चल 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 आ गया वो दूध लेके। अब यहाँ पीछे पीछे जाना है ना, अब हम उसके आगे हो गए, वो भूप वापसी आ गया दूध लेके। आ जाओ इधर छुप जाते हैं, आ जाओ आ जाओ। अच्छा लग रहा है छुपन छुपाई खेलने में? भैया दूध लेके आ गया, देख ले समझदार है तेरा भैया। देखो ये जा रहा है, जा रहा है दूध लेके जा रहा है। देख अब अपन पीछे पीछे चलेंगे इसके, ठीक है? अच्छा बच्चा मेरा आगे आगे जा रहा है, उसको खबर भी नहीं है कि उसके पीछे उसकी बहन उसका भाई पापा है। अभी देख रहे हैं हम लोग, अभी तक उसने पीछे पलट के नहीं देखा है। पलट के देखेगा तो उसे पता लग जाएगा कि हाँ हम लोग हैं, लेकिन हम लोगों को उसको देख ही नहीं रहा है। वो तो सीधा सीधा अपने अभी वो घर में जाएगा, घर में जाके ढूंढेगा हम लोगों को, तो हम लोग छुप जाते हैं और जल्द छुप जाते हैं, जल्दी यार छुपते हैं। आगे 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 चल चल चल, देख ले पियू किस कह रही है। पूरा तेरे को दूध की दुकान तक देख के आए हम लोग। जब आजा आजा आजा
एक्सप्रेशन ही चेंज हो गया उसके। पीयू कह रही थी पीयू चलो पापा के पीछे पीछे चलो डुगू के। देख ले चुके अब तो। चलो दोस्तों चाय पीते हैं, चाय पी के नहा दो के फिर रेडी होते हैं, ठीक है? चलो आ जाओ चाय पी लो सबको ही। हाँ चलो चाय खत्म, चलो 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 नहाना है, चलो 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 जल्दी आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। अरे भल्लो भल्लो जल्दी भल्लो। तो भाई साहब हमारी सारी फैमिली देखो, ये इसने देखो कितना सारा तेल लगा लिया नहाने के बाद, कितना सारा तेल लगा मैंने लगाया है। तो भाई लोग हम लोग नहा के धोके हो गए रेडी, अभी क्या करते हैं खाना खा लेते हैं। खाना मैडम जी ने बना दिया, दाल चावल चटनी। अरे मेरा पैर क्यों उठा रहा है? अरे खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो, जीते रहो। चलो भाई खाना आ गया, खाना आ गया, खाना आ गया, खाना आ गया, थाली में एक्स्ट्रा दाल आ गई, चटनी आ गई, दाल चलो खाओ जल्दी खाओ। चलो भाई चलो खाओ, कहाँ है बाल? कोई खाएगा? तो मम्मी है, मम्मियों के बाल तो होते ही हैं। ऐसा है, कैसी है सब? कैसी है? अच्छी है। चलो भाई लोग खाना आ गया है, तो आज दाल चावल का खाना सबसे बेस्ट और सादा नाश्ता। A few moments later. तो चलो भाई चलते हैं बैंक, आते हैं और उसको कार्ड लेके आएंगे। कार्ड देखो जाते ही दे देगा, वहाँ पर तो उन्होंने बताया था कि आप जाओगे खाली आधार कार्ड लेके आपको कार्ड मिल जाएगा। तो देखते हैं हम, चलो चलते हैं यहाँ से और तुरंत। यहाँ से तो पैदल रास्ता बहुत लंबा पड़ेगा, तो इधर से जाने में तो हमें वापसी आज़ाद चौक ही जाना पड़ेगा। आज़ाद चौक से टेम्पो पकड़ेंगे और चले जाएंगे अभी। तो अभी जहाँ हम जा रहे हैं वो हमें गूगल मैप पे देखना पड़ेगा कि गूगल मैप में कहाँ पर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि हमारे को उसी बैंक में ही जाना है, क्योंकि जैसे जो जिसकी बैंक है उसी में कार्ड मिलने का है। तो चलो पहले हम गूगल पे सर्च करते हैं कि कहाँ पर है यूनियन बैंक, ठीक है? तो चलो देखते हैं। तो चलो ये हमने मैप खोला, मैप में हमने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पहले ही डाल लिया था। अब यहाँ से चलते हैं सीधा, ये देखो हमने रोड, ये जो रोड है ना हमारा घोड़ा चौक होके जाएगा, तो घोड़ा चौक पे से हम जाएंगे राइट। तो आगे जो आपको दिखाई दे रहा है ये रॉन्ग है, यहाँ अब यहाँ से हम राइट जाएंगे और यहाँ से तकरीबन हम 1.5 किलोमीटर हमें पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि आगे बाज़ार है, इसे हम बजरिया बाज़ार कहते हैं। तो इस बाज़ार में हमें थोड़ा टाइम लग जाता है, तो यहाँ से सीधा चलेंगे हम बैंक पे, ठीक है? तो चलो चलते हैं। ये क्या है ना, मैं पैदल जा रहा हूँ इसलिए मेरे को थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो बने रहिए, बस पहुँचने ही वाले हैं हम। कुछ देखिए 300 मीटर रह गया, कुछ आगे रह गया 200 मीटर रह गया, 260 रह गया, 250 रह गया, ये 200 मीटर आ गया। चलो 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 भैया जल्दी पहुँचो, बस हम पहुँचने वाले जस्ट 150 मीटर। ये अपना 130 मीटर, ये अपना 100 मीटर, बस ये लो जी हम पहुँच ही गए। तो भाई लोग पहुँच गए, हम लोग अभी पहुँचा हूँ बस, यहाँ छतरपुर से ना यूनियन बैंक की ब्रांच में आ गए हैं। तो अभी देखते हैं किधर से चढ़ना है ब्रांच। अच्छा वो सामने, तो चलो ये सामने है यूनियन बैंक की ब्रांच, तो अपने को लगेगा थोड़ा टाइम, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक का। A few moments later. भाई लोग ये तो गड़बड़ हो गई यार, अब यहाँ पर बता रहे हैं कि वहाँ की ब्रांच का जो पैसा है वो यहाँ, मतलब यहाँ पर वो कार्ड इशू नहीं होगा। बाकी वहाँ पर उन्होंने जो बोला था उसी हिसाब से मैं यहाँ चेक करने आया था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने मना कर दिया है। फॉर्म तो दे दिया है लेकिन फॉर्म के अलावा उन्होंने मना कर दिया कि उनका कोई यहाँ पर वो इशू नहीं कर रहे हैं। बाकी अब हमें दोबारा वापस गुड़गांव जाना पड़ेगा, ये पड़ेगी ना प्रॉब्लम। वहाँ से तो उन्होंने बोल दिया था कि नहीं किसी भी यूनियन ब्रांच में चले जाना, यूनियन बैंक ऑफ में, तो उनसे बोल दिया था। बाकी अब चलो चेक चेक कर, उन्होंने तो मना कर दिया। तो फॉर्म तो मैंने ले लिया है, अभी मैं दिखाऊंगा वहाँ जाकर, एक जेब रहेंगे मतलब वहाँ दिखाऊंगा मैं जाके, उनको चेक कराऊंगा तब पता लगेगा, ठीक है? चलो चलते हैं यहाँ से। तो भाई लोग ये हमारे यहाँ की मार्केट है बहुत बड़ी, यहाँ फिर से बारिश होने लगी, बारिश का हिसाब किताब बन गया। और ये हमारे यहाँ की सबसे मेन मार्केट है छतरपुर की, यहाँ पर ज़्यादातर लोग मार्केटिंग करने हैं, मतलब हर तरीके की मार्केट हो जाती है यहाँ पर। किसी भी तरीके की मार्केट में आ जाओ, मतलब शादी का सामान, हर चीज़ से ज्वेलरी वाली, यहाँ बहुत अच्छा पूरी मार्केट है, बजरिया बोलते हैं इसको। देसी है झुमके इंग्लिश ठुमके रे, मारे दीवाने तू चुन चुन के रे। देसी है झुमके इंग्लिश ठुमके रे, मारे दीवाने तू चुन चुन के रे। एक बात है, गांव में आने के बाद ना ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि पैदल जाना पड़ता है, पैदल आना पड़ता है। अब मैं इधर से गया था, उधर से आया हूँ, तो मेरा पूरा प्यास के मारे जान लगी, तो मैंने पानी लिया 20 रुपये का। अब यहाँ अगर गांव में 20 रुपये का पानी अगर इधर लेते हैं, खैर ये तो शहर है, अगर गए तो सब कहेंगे देख कितना बड़ा आदमी है 20 रुपये का पानी खरीद के पी रहा है। और तो दोस्तों मेरे फ़ोन की थोड़ी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, तो मैं इस फ़ोन को लगा देता हूँ चार्ज पे, क्योंकि सुबह चार्ज होने के बाद एक बार दोबारा चार्ज में लगाया नहीं था। और देखो हम अभी निकलते हैं, कितनी देर में हमें निकलते हैं। मौसम देखो फिर खराब, यहाँ 3-4 दिन से लगातार बारिश का मौसम हो रहा है। देखो
अभी शाम को दोपहर के बाद बारिश का मौसम हो ही जा रहा है, 3 दिन तो बारिश हो गई, आज देखो चौथा दिन है क्या होता है। ठीक है तो चलो देखते हैं, बाकी मैं इस फोन को लगा दूँ चार्ज, डिस्चार्ज ना हो जाए। तो दोस्तों शाम के बज चुके हैं 5:30 और यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ही डन हो गया है, मतलब पूरा एकदम परेशान हो गया। इनको आज जाना था अपनी मम्मी के पास, तो ये हो रही है ज़्यादा लाल पीली क्योंकि सारा काम ऐसी पड़ा है। देखो ये अब ये गुस्से में घूम रही हैं, ये देखो बच्चों को डांट रही है हटना। अरे देवा ये गड़बड़े बाबा। तो भाई लोग यहाँ हर शाम को हो जा रहा है बिल्कुल बारिश का मौसम। आहा सब करना लेकिन अपनी माँ से आज दूर रहना, क्योंकि जो लेडी औरतों को कुछ कर लो उसके भाई और उसकी माँ के चक्कर में ना कुछ भी करती हो, इसलिए दूर रहने का आज, बच के रहने का। आज मौसम को भी गाली दे रही है, देखो देखे दिखा देख कितना चिल्ला रही, थोड़ा जोर से चिल्लाना कैमरा देख के, धीरे की हो गई अभी जैसे चिल्ला रही थी वैसे चिल्ला। अभी मम्मी डांट रही थी ना, है मम्मी ने मारा मारा नहीं है, सिर्फ डांटा है। ले अब डंडे से पिटेगी तू देख ले। तो भाई लोग कहीं भी हम 4-5 दिन से इसीलिए मेरे ब्लॉग लेट हो रहे हैं, मेरे ब्लॉग शाम को, अब जैसे शाम को क्या है अभी ये शाम, आज तो बहुत लेट हुआ है अभी मौसम खराब, तो शाम को क्या हो रहा है कि अभी तो ये थोड़ा आज लेट मौसम खराब हुआ है। डेली कम से कम 3 बजे 2 बजे 2:30 बजे ही मौसम खराब हो जाता है, शाम को कुछ मिलता है मैंने कहा कहाँ जाए, अभी देखो अभी हमें जाना था कहीं, अब मौसम खराब हो गया तो इनके भी तेवर बिल्कुल लाल हो गए। हाँ जी कैसा लग रहा है आपको अपनी माँ के पास नहीं जाने को मिल रहा, मौसम भी कह रहा है मत जाओ है पियो। अच्छा मम्मी देख आज तुम, मम्मी देख तुम कहाँ जाओगे, देख वो क्या कह रहे पियो मौसम क्या कह रहा है मत जाए ना, कहाँ मत जाओ क्या बोला तुमने भाई लोग। ऐसा हुआ है पहली बार, पहली बार हम लोगों ने तैयारी करी थी यहाँ से जाने की, और हमारा जो मैंने सोचा था कि चलो चले जाएंगे तो बारिश की वजह से नहीं जा पाए, यहाँ तक कि हम लोगों के पास अब सब्जी नहीं है और बच चुके हैं साथ, कहा बनाओगे अब ये कितने आराम से बैठी है ना, तो कोई मतलब ही नहीं है आराम से बैठी, बोले मम्मी के पास जाना बड़ी खुशी है मम्मी के पास जाने, अब बनाओ कुछ तो बारिश की, आप तो पेट का क्या करें, क्या लेके आते हैं मार्केट, मार्केट मार्केट क्या करेंगे जाके, इस टाइम 7 बज गए अब ये कह रही है 7 बजे मार्केट जाओ, यार ये कोई बात हो गई है, बच्चे अपने मस्ती में मस्त है। अभी ये थोड़ी देर बाद बोले पापा खाने को दो, फिर कहाँ से देंगे भाई। तो दोस्तों आज ये बड़ा बुरा हुआ, बताओ सोचे भी थे कि निकल जाएंगे टाइम से, 7 बज गए और सोच रहे बच्चों के लिए क्या बनाए, अब सारा आइटम खत्म हो गया, सब कुछ इन्हें समेट के रख दिया, खाली आलू 3 आलू है, लहसुन है, थोड़ी मिर्ची है, ये आलू का बना ले, 4 आलू है, है? क्या बनाओगे। अच्छा हमारी मैचिंग भी हो रही है, मस्त मैचिंग हो रही है हमारी, है ना, ब्लैक व्हाइट हो रहा है, बाहर अभी अभी थोड़ी देर पहले ही बंद हुई है बारिश, यहाँ बारिश ने बड़ा दिमाग खराब कर रखा है, ओए पूरा गीला गीला हो रखा बाहर, अभी दिखाई भी नहीं रहा। डुगू कहाँ जा रहा है बिना चप्पल के, बिना चल अंदर, तो क्या हो गया अपने पीछे, देखो चल अंदर जल्दी, हाँ चलो अंदर चलो, पुलिस हो चलो इन दोनों खेलने तो चुपचाप। दोस्तों अभी क्या है मेरे दोनों बच्चे टीवी देखने में व्यस्त हो गए और मैं और मेरी वाइफ ना चुपचाप जा रहे हैं सब्जी वाले की दुकान, भाई बच्चे हैं बच्चों के लिए तो हमें करना ही पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए, इसलिए मैं चुपचाप भाग रहा हूँ, वो भी पीछे पीछे आ रही कुंडी लगा दी, कुंडी नहीं तो दोनों ने ढूंढा लगा लगा कुंडी लगा, बड़ा मजा आता है ऐसे कभी कभी खेल दोनों भाग, हम क्या है ना कहने को तो कह देते हम चलो ऐसे ही बना ले, लेकिन बच्चे माँ बाप को थोड़ी चिंता तो रहती है बच्चों को खाने के लिए, अरे क्या नहीं दिख रहे इसीलिए बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, क्या आ गई होगी कहने को लग रहा है, अभी को दोनों में से कोई एक आ गया तो बस फिर वो दोनों की जोड़ी टूट जाएगी, तो वो दोनों अंदर हैं तो हैं। अब हम लोग चालू बन रहे हैं और हमसे ज़्यादा चालू, हम फोन तो लिया है, अपना फोन लिया है, फोन में नेट तो नेट बंद हो गया होगा, सब्जी लेके निकल लो चुपचाप, काली बोल रहे थे थोड़ी पहले आपका फायदा हुआ है तुम्हारा, देखो हमारे जैसे बेशरम कब मिला मैं बताया तुम्हें, ठीक है एक ही लाने पूछने नहीं आऊ था खत नहीं लो जो है तो इतनी भी चालू पंती अच्छी नहीं है, सोचे कि हम ज्यादा स्मार्ट है, हम लोग है ही नहीं स्मार्ट है, दोनों के दोनों मोबाइल लेके चले आए, टीवी बंद हो गया होगा दोनों का, मैंने क्या कहा था दोनों गेट खुले पड़े, ओ
उल्लू उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। हम हैं क्या फैला दिया? ओ अरे वही ने तो फैलाओ है, इन्हें फैलाओ, इन्हें दीदी ने तेना फैलाओ। और रिमोट रिमोट सब खोल के था, देखो चप्पल, देखो बेड पे यार, देखो ये, हाय राम, देखो कैसे बच्चे मेरे, देखो देखिए वो गुस्सा होने का, सारे चप्पल उप्पल सब धर दिए। तुम कैसी बेटी हो, तुम्हें तुम्हारे भरोसे घर छोड़ के जाएंगे, ऐसे करोगे हैं? 5 मिनट के लिए लहसुन उठाओ, अदरक उठाओ, वगैरह वगैरह उठाओ, उठाओ जल्दी जल्दी। देसी है झुमके इंग्लिश ठुमके रे, मारे दीवाने तू चुन चुन के रे। देसी है झुमके इंग्लिश ठुमके रे, मारे दीवाने तू चुन चुन के रे। देखा कितनी जल्दी जल्दी भगलाए हम। तो भाई टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी बना लो, 8 बजे से ऊपर हो गए, 8 बज गए टाइम हो रहा है, चलो फटाफट। हम लोगों ने पूरा देखो, हमने यहाँ मसाले वसाले थे ना, सभी कार्टून में डाल के रख दिए, सिलेंडर था वो बिल्कुल धोधा के बिल्कुल बिल्कुल साफ सफाई करके रख दिया था पूरा सिस्टम। तो भाई लोग अपना तो हो गया मटेरियल तैयार, आम वगैरह डाल दिए हैं, हाय हाय नमक। अरे भाई क्या चटनी पीसे लिए रहेगा ये। ओ बेटे बोला कैची लगी, कैची दी, अच्छे अच्छे बने, पियो निकालो ये। तो दोस्तों खाना हमारा बन गया है, खाना रेडी है, और ये देखो इन्हें इतना खाना खाने के बाद इन्हें पुशअप्स करने का शौक हुआ। ये अबे सुबह सुबह किया जाता है बच्चों, बचा रे बच्चा, बचा मेरी टांग को, बचा बचा, अरे रुक जा, बचा ने। तो दोस्तों खाना लग गया है, और ये देखो चटनी अभी तक हमारे इसी में रख रखी है। मुझे बहुत भूख लग रही है, तो चटनी खाई है भाई, थोड़ा हल्का नमक तेज हो गया चटनी में, लेकिन थोड़ा सोचा था खट्टे ज्यादा हो जाता, हल्का नमक देता है उसको, इसलिए थोड़ा नमक तेज रखा था, और अब सब्जी के साथ तो मजा ही आ रहा है। हमने खा लिया है तो खाना रखते हैं, अब मैं करता हूँ एडिटिंग, क्योंकि मुझे काफी टाइम लग जाएगा, तो अभी चलते हैं ठीक है, पहले एडिटिंग कर लेते हैं और फिर देखते हैं कब तक हमें नींद आएगी। अभी देसी है झुमके इंग्लिश ठुमके रे, मारे दीवाने तू चुन।